जी तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल अनम फूड एंड ब्यूटी सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। आई होप आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा जी, मैं आज बना रही थी अपना ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा इस ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपको क्यों ना दी जाए। अच्छा, इस कपड़े को इग्नोर करना है क्योंकि ये सिर्फ इसी काम के लिए रखा है कि जब मैंने आटा गूंदना होता है, रोटी बनानी होती है, तो मैं ये रख लेती हूँ। अच्छा, पराठे बनाने का एक डिफरेंट तरीका, जब आपका दिल करे कि पराठे भी खाने हैं और बड़े डिफरेंट तरीके से दिल करे कि आज नाश्ता हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने चार लहसुन के जवे ये देखें दरदरे हवन दस्ते में पीसे, थोड़ा सा धनिया, चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये देखें सॉल्ट जो है इसके अंदर मिक्स करके रखा है। तो मैंने सोचा मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना करूँ। आपने ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐसे मिक्स कर देनी है, और ये हमने क्या करना है, पराठों के अंदर हमारे इसकी हम लोग करेंगे फिलिंग, जिसके साथ बड़ा ही एक अच्छा सा मज़े का देसी सा जो है वो टेस्ट आएगा पराठों में। इसके अंदर मैंने डालना है अभी ऑयल, और ऑयल कितना डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ऑयल आपने डालना है जी इसमें 3 टेबल स्पून, ठीक है, सिर्फ ये इसलिए कि ये पराठों के ऊपर चिपक जाए, बस इससे ज़्यादा हमने ऑयल जो है इसके अंदर नहीं डालना। तो ये देखें इस तरह का मिक्सचर आपने बना लेना है, ये देखें, और इसको अब हमने पराठों के अंदर लगाना है। तो बस बनाना शुरू करते हैं, पहला पेड़ा लेते हैं, और बस पेड़ा या लोइया जो भी आप बोलते हैं बनाना शुरू करते हैं, और मैं आपको एक पराठा बना के दिखाती हूँ। फिर आपने ना रमज़ान में वैसे ही बनाना है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो पराठों का तो फिर एक अपना ही बीच में टेस्ट होता है ना, कि पराठे ना हो तो फिर सहरी कैसी। अच्छा जी, इस तरह करके आपने एक गोल रोटी बेल लेनी है, प्रॉपर गोल ना भी हो तो भी मसला नहीं है। उसके बाद आपने सारा मसाला जो है जो आपने बना के रखा है ये आपने इस तरह कर लेना है, चम्मच के साथ कर लें, हाथ के साथ कर लें। अच्छा, वैसे हाथ के साथ ना इस तरह करने से ना एक अलग ही वो जो है बन जाता है, स्प्रेड करने में ना मज़ा आता है, और पराठों में जब तक ऐसे खुद से हाथ ना यूज़ किया जाए मज़ा नहीं आता मुझे तो। अच्छा, ये देखें आपने इस तरह करके ये सारा फैला लेना है। तो लहसुन का टेस्ट आपको पता है कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। सारा इस तरह फैला के आपने अच्छे से ये धनिया धुनिया इसमें लगा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है आपने खुश्क आटा थोड़ा सा। और ये आप पूछेंगे कि ये क्यों, इससे पराठे जो हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं, खस्ता बनते हैं। फिर आपने एक लगाना है सेंटर से कट, ये कट लगा लिया आपने। इसके बाद आपने इसको घुमाते जाना है यूं करके, जैसे एक समोसे की शेप होती है वैसे आपने इसको घुमाते जाना है। और ये देखें यूं करके आपने इसकी सारी लेयर्स जो हैं इस तरह करनी है, और ये एक लेयर जो है इसके ऊपर आ जाएगी। और उसके बाद आपने इसको ऐसे एक, और ये बड़ा डिफरेंट पराठा बनता है समोसे की शेप में। आप चाहें तो इसको टर्न करके बल वाला टाइप बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी आप देखें आपके पराठे की काफ़ी लेयर्स जो हैं वो बन जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा बेलते टाइम आपको होगा कि यार ये किधर को जा रहा है, लेकिन हम लोगों को चाहिए इसकी लेयर शेप इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन उसको बेलने का तरीका ये देखें। पहले आपने यूं करके बेलना है, उसके बाद आपने फिर से उसकी साइड चेंज कर लेनी है, और आपने इसको यूं बेलना है। तो यूं बेलेंगे तो एकदम अच्छे से सारे किनारे भी बेल जाएंगे आपके, और ये देखें, और इसको हल्के हाथ से आपने कर लेना है। ये देखें इस तरह करके हम इस पराठे को बेलते जाएंगे, इसके सारे कॉर्नर्स को हम लोग पतला कर लेंगे। तो ये ट्रायंगल जो होता है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें लेयर्स बनती हैं। तो अभी हम लोग तवे पर डालेंगे। तवा मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। तो ये देखें जी, अभी ये जो हमारा ट्रायंगल पराठा है हमने इस तवे के ऊपर डाल देना है यूं करके, और आँच अब हम थोड़ी सी तेज़ करेंगे, मैंने बहुत ही स्लो की हुई थी। आपने अपने पराठे को ना तवे पे ला के भी सेट सेट कर सकते हैं इस तरह, ये देखें, बस थोड़ा सा यहाँ से होगा 19-20 का फ़र्क, लेकिन जी कोई नहीं, खैर पराठा तो पराठा होता है ना, तो सानू तो वैसे भी पराठे बहुत पसंद। इसके बाद
ये मेरा बड़ा फेवरेट एक छोटा सा जार है। इसके साथ क्या होता है ना कि ऑयल बड़ा मुनासिब सा निकलता है, जितना आपको चाहिए। मैंने तो ये रखा है यहाँ पे, मेरी सौंफ वाली, अदरक वाली, दालचीनी वाली, खूबसूरत सी चाय बन के जो है वो तैयार हो रही है। बन रही भी है और आधी बन चुकी है। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह कर लेना है आपने। जब ये थोड़ा सा पके उसके बाद आपने इसमें ऑयल डालना है, और जब आप पकाते होंगे ना तब भी आपको एक लहसुन की जो खुशबू आएगी ना, वैसा आएगी जैसे ग्रीन वाले लहसुन की स्मेल। यहाँ पे एक पाकिस्तानी छाबी देसी स्टाइल में वो ले लेते हैं। ये देखें, जब इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे बबल से बनना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपने इस तरह करके इस पे ऑयल डालना है। आप ट्रेस करें, ये देखें इसकी लेयर जो है वो, ये देखें ये इतनी प्यारी इसकी लेयर्स बनती है ना, चार पांच लेयर्स, वो लच्छे वाले पराठे की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक नान होता है ना वो खा रहे हैं। तो इसको आपने तेज़ आंच पे कभी भी नहीं सेकना, वरना आपके पराठे जो हैं वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। ये देखें, सुनहरा सा कलर आने दें। लहसुन की खुशबू इतनी सौंधी सी, इतनी अच्छी सी आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो साढ़े पाकिस्तानियों ने तो वैसे भी जरा हमारे पंजाबियों ने पराठे शराठे बहुत पसंद होंगे ना। तो ये देखें, आपने दोनों साइड से अच्छे से बना लेना है। और ये सहरी में सिंपल चाय और दही और अचार हो तो मैं कहती हूँ कि सहरी का जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है। ये देखें, जब सहरी करें और पराठे और इस तरह की चीज़ें हो ना रमज़ान के महीने में, ये भी एक बड़ी वो घर में रौनक सी हुई होती है। कोई उठ रहा है, कोई किसी को उठा रहा है, तो बस हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। तो ये स्पेशल रमज़ान के लिए है। और वैसे हम लोगों के, मेरे भी रोज़े चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों के रोज़े भी चल रहे हैं। तो मेरा कल रोज़ा था, आज मेरा रोज़ा नहीं है। तो ये देखें, इस तरह करके ये खुलता जाएगा। ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। अभी मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको अभी सर्व करते हैं। ये देखें, अच्छा ये देखें, अब मैंने आपको इसकी लेयर्स दिखाई हैं कि ये देखें, इस तरह करके इसके अंदर इस तरह इसकी लेयर्स बनी होंगी। ये देखें, और ये देखें, इस तरह फिर पराठा इतना खस्ता बनता है। और ये देखें, यहाँ से भी इसकी लेयर्स, ये हर साइड से खुलेगा जैसे लच्छा पराठा खुलता है। बनाइएगा और सहरी के टाइम पे मुझे याद करिएगा। और आप भी क्या याद करेंगे, क्या हमने भी ज़बरदस्त किस्म के पराठे बना के हमारी सहरी को आसान बना दिया। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।